वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दी फ्रेंडशिप इंट्रोड्यूस वीडियो वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर फोर ऑफ मो पासपोर्ट थ्री सो ये हमारा चैप्टर है लून ने दलिना अब एक गर्ल है यहाँ पर हमारी एलेना वी आर गुन सी हाउ डज शी स्पेंड हर होल डे ठीक है सो इट इज़ द द होल डे ऑफ एलेना वी आर गुन सी इट ठीक है सो शी हैज गिवन हर गिवन अ अटैक्स जहाँ पर उसने अपने पूरी डे की जर्नी को जो है डिस्क्राइब कर रखा है इसको स्टार्ट करते हैं रीडिंग इट इट्स इज Dabo Jamalavil Assis Er Jumata means I wake up. Sub, first of all, I wake up myself at six o'clock of morning. May Jamalav Asiz Er Ekart, but I wake up at सॉरी आई गेट आउट ऑफ दी बेड अब देखो यम रेवेल मतलब वेकअप उठ जाना जाग जाना ठीक है लेकिन एक चीज़ वो होती है कि हम जागे हुए और हम बेड में ही लेटे हुए हैं और दूसरी चीज़ वो होती है कि हम जाग कर उठ जाए उठ जाए बेड से ठीक है तो वो हमारा होता है यमल एव सो आई वेकअप माई सेल्फ फ्रॉम द बेड एट सिक्स फिफ्टीन एम ठीक है पोई यू रिमाफेन ए थ्रू एशिया फेमोली मीन्स देन आई ओपन माई विंडो एंड आई डू माई बेड जैसे कि uh, आप लोगों ने कंबल ओढ़ रखा है चदर ओढ़ रखी जो भी ओढ़ रखा है आप उसको ठीक करो अपने बेड को पूरा पूरा इन गुड वे उसको सही तरीके से कर दो साफ समेट कर सब कुछ कर दो तो वो होता है एज फेमोली ठीक है आप रेजो वे दोनों साल दबा एशिया फेमे टालितिथ Je, me les dons, je prends la douche. After that, I go to the uh, washroom and I do all my toilet stuffs. Like uh, my me brush means I brush my teeth. I take a shower. jama me means then I dress up. Okay? J'a et jama me perfume means I comb my hairs and I put on perfume. Where set means near about 7 o'clock. प्रोमोपेथी मीन्स नियर अबाउट सेवन ओ क्लॉक ब्रेकफास्ट जब अथर अवेर द ऑलवेज ड्रिंक अ ग्लास ऑफ हॉट मिल्क जली मीन्स ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट आई रीड द न्यूज पेपर ठीक है अब आते हैं इस वाले टेक्सट पर अब हम आते हैं इस वाले टेक्स्ट पर ओवर हेयर सो ये जो हमारा लिख सेज से स्विथ आ सेट अ कैंस ये आखोल आ वेक मो आमी मी कैरिन मीन्स एट सेवन फिफ्टीन आई गो टू द स्कूल विद माई फ्रेंड कैरिन नू जालो अप मीन्स वी गो बाय फुट मो एकोल कॉल मींस माय मीन्स माई स्कूल इज नॉट फार ठीक है नोट्रे कॉल को मोोन्स आवितर मींस आर स्कूल बिगेन्स एट एट ओ क्लॉक आले ज़ाप न्यू ले माथे माथिकले सीन्स एले लॉन्ग फ्रॉम सियांग एसपाइनॉल मीन्स एट द स्कूल वी लर्न मैथमेटिक्स साइंस लैंग्वेजिस् लाइक फ्रेंच इंग्लिश एंड स्पेनिश ठीक है एसपाइनोल इज स्पेनिश मोश दुल्ला कान्थीन ए रविया अलामेजो आ दै आर मीन्स आई ईट इन देंटीन एंड रिटर्न टू होम एट सेवेंटीन अर तो हमारा जो सेवनटीन आर है उसका हमारा मीनिंग होता है फाइव फाइव ओ क्लॉक जो है जो लड़की है वो अपने घर पर जो है पहुंच जाती है ठीक है फिर इट्स एज यम रेपोज पर मीन्स आई यम रेपोज Uh, यमर रेपोज का हमारा मीनिंग होता है टू टेक रेस्ट तो वो जब घर आती है शी टेक्स अ लिटल बिट ऑफ रेस्ट ठीक है योमोगे इज य फेमेद मीन्स आई टेक माई टी टाइम स्नैक एंड आई डू माई होमवर्क वर्क वेदर मीन्स एट ट्वेंटी हमारा होता है Eight o'clock at eight o'clock ma family means at eight o'clock I have my dinner with my family. dine shak means each one of us speak of our whole day during the dinner of uh, वे दस अर मीन्स एट टेन ओ क्लॉक एश मकूश एश दौ मीन्स आई गो टू माई बेड एंड देन आई स्लीप ठीक है तो ये थी उसकी डेली लाइफ की जर्नी ये वाला जो है ये आपको जो दे रखा है ये आप लोगों को खुद ट्राई करके सॉल्व करना है ठीक है नेक्स्ट है हमारा प्रोनोमिनल वर्ब्स टॉपिक दैट वी हैव इज प्रोनोमिनल वर्ब्स अब हमारी प्रोनोमिनल वर्ब्स क्या होती हैं देखो प्रोनोमिनल वर्ब्स इज अ वर्ब दैट इज अकंपनीड बाई अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे कि अभी अभी हमने टेक्सट के अंदर भी देखा ज म रेवाइल ऐसे ऐसे हमारे पास वर्ड्स दे रखे थे तो ये देखो ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो ऐसी वर्ब्स जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ अकम्पनीड होती हैं उनको हम प्रोनोमिनल वर्ब्स बोलते हैं ठीक है जैसे कि भी आप सीन सापले वर्ब जैसे कि कोमोच्यूतपल तो यहाँ पर त दिस इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो यहाँ पर आपले हमारी रिफ प्रोनोमिनल वर्ब में जो है कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है अब द प्रोसेस इज हाउ डू वी कॉन्जुकेट अ प्रोनोमिनल वर्ब सो टू नॉर्मली कॉन्जुकेट अ प्रोनोमिनल वर्ब इट इज़ द सेम कि कॉन्जुकेशन तो सेम रहती है जस्ट द थिंग इज दैट वी आर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन एडिशन टू द मेन वर्ब एंड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट य है तो म आएगा क्यू है तो त रिफ्लेक्सिप प्रोनाउन आएगा इल और एल के साथ स सा आएगा नू के साथ नू ही आएगा वो के साथ वो ही आएगा इल और एल प्लूरल के साथ एस ई आएगा स आएगा ठीक है यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है रेवइले वर्ब का अगर मैं सिंपली रेवैले करूँ तो करूँ तो इट मीन्स वेकअप अगर मैं सर रवैले करूँ तो इट बिकम्स अ प्रो वर्ब अब इसको कॉन्जुकेट कैसे करना है सिंपल है वी हैव टू कट द ई आर बिकॉज ई आर वर्ब है कट द ई आर पुट रेस्ट ऑफ़ द पार्ट विद द सब्जेक्ट एंड पुट द एंडिंग्स ई ई एस ई ई ओ एन एस इज एड एन टी एन टी ये वाली एंडिंग्स हम पुट कर देंगे ठीक है लास्ट स्टेप जो हमारा रिफ्लेक्सिव uh, प्रोनाउन है वो हम पुट करते हैं म त स, स नू वू ऐसे स, स। हमारी जो है कॉन्जुकेट हो जाती है ठीक है नेक्स्ट हमारी कुछ इेगुलर वर्ब्स हमारे पास दे रखे हैं इन स लेवे एंड स प्रोमिने द फर्स्ट ई टेक्स ग्राव एक्सेंट ग्राव एक्सेंट हमारा कौन सा एक्सेंट होता है ये वाला ऐसा जो होता है एक तो होता है एग्यू एग्यू होता है ये वाला ग्राव होता है ऐसे वाला ठीक है इन सले वे एंड स प्रोमिने जो हमारा फर्स्ट ई e होता है दोनों के अंदर ये वाला एंड ये वाला ये दोनों के दोनों ई e के ऊपर ग्राव एक्सेंट ले लेते हैं एक्सेप्ट इन नू एंड वू सिर्फ नू एंड वू के अंदर ये ग्राव एक्सेंट नहीं लगता बाकी सारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस के अंदर लगता है एज यू कैन सी ओवर हेयर इन सलावे एंड नेक्स्ट हमारी सासुआर वर्ब सासुआर मीन्स टू सेट ठीक है अब ये देखो ये टोटली डिफरेंट है आई आर है बट इसके कॉन्जुकेशन आप लोग देख सकते हो विच यू हैव टू रिमेंबर जमासीयत थ्यूतासियत एल सासियत, नु नु वु वु इल एल साय नू नू असै वो वो असैये एल एल असैयो ठीक है ऐसे हमारी कॉन्जुकेशन है जो कि आप लोगों को याद करनी पड़ेगी नेक्स्ट चीज़ हमारे पास दे रखी है फॉर्मिंग द नेगेशन नेगेटिव ऑफ़ द प्रो नॉमिनाल वर्ब्स हमारे नेगेटिव कैसे फॉर्म होते हैं वी नो फॉर मेकिंग अ सेंटेंस नेगेटिव वी नीड टू बलून्स एक होता है न एक होता है पा ये दो बलून्स हमें चाहिए होते हैं इनको उड़ाने वाला हमारा होता है वर्ब ठीक है तो वैसे ही प्रोनोमेनाल वर्ब्स के केस में म जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसके आगे न लगेगा एंड जो मेन वर्ब है उसके बाद पा लगेगा जैसे कि प्रोमेने का और सर प्रोमेने का एग्जाम्पल है यहाँ पर य न म प्रोमन पा तो म प्रोमेन तो सेम रहा य म प्रोमेन ऐसा ये सेंटेंस है अफर्मेटिव में अब इसको नेगेटिव फॉर्म करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के आगे न लगा दिया एंड मेन वर्ब के बाद पा लगा दिया एंड पूरी ऐसे हमारी नेगेशन का फॉर्म हो जाता है हेर आर सम अदर एग्जाम्पल्स गिवन फॉर दी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स इन फ्रेंच ठीक है यहाँ पर हमारे पास जो है एग्जाम्पल्स जो है दे रखे हैं नेक्स्ट चीज़ है टेलिंग टाइम इन फ्रेंच अब ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड जस्ट आई क्रिएटेड अ वीडियो ऑन हाउ टू वी टेल अ टाइम इन फ्रेंच सो आप लोग उसको वो जाकर देखो आई है प्रोवाइड विद यू द लिंक इन द कमेंट सेक्शन क्योंकि एक टॉपिक के अंदर मैं आपको एक सब एक, एक वीडियो के अंदर मैं आपको एक टॉपिक समझाऊँ एंड एक वीडियो के अंदर मेरे को आपको बहुत सारे टॉपिक समझाने सो देर इज़ अ डिफ्रेंस तो आप लोग एक बार वो वाली वीडियो जाकर देखना है ठीक है वो वीडियो देखने के बाद योर चैप्टर विल बी फिनिश्ड एंड दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो एक्सरसाइज ट्राई करना नहीं होगी तो आसमिन द कमेंट्स आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एनल एग्जामिनेशंस